अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असद अली और आप देख रहे हैं असद अली टीवी। आज हम आपको बताएंगे कि आप अपनी वीडियो का बैकग्राउंड कैसे तब्दील कर सकते हैं और वो भी बड़ी आसानी से। ग्रीन स्क्रीन कैसे बनाई जाती है उसके बारे में तो हम बता चुके हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम प्रैक्टिकली आपको बताएंगे कि आप अपनी वीडियो का बैकग्राउंड Adobe Premiere Pro के ज़रिए कैसे तब्दील कर सकते हैं। और Adobe Premiere Pro को हमने सेलेक्ट किया है अपनी वीडियो का बैकग्राउंड तब्दील करने के लिए। और आपको एक और बात बता दूं कि जो भी हॉलीवुड की इंग्लिश मूवीज़ या कोई भी बॉलीवुड की जो इंडियन मूवीज़ वगैरह बनती है जिसमें स्पेशल इफ़ेक्ट्स ऐड किए जाते हैं, स्पेशल इफ़ेक्ट्स में सबसे ज़्यादा जो यूज़ है आजकल वो ग्रीन स्क्रीन का किया जाता है, और ग्रीन स्क्रीन के ज़रिए फिर जो है बैकग्राउंड को तब्दील कर लिया जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप कैसे वीडियो का बैकग्राउंड तब्दील कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को गौर से देख लेंगे तो आज के बाद जो है वो आपके लिए ग्रीन स्क्रीन के जरिए वीडियो का बैकग्राउंड तब्दील करना कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। तो चलिए टाइम ज़ाया नहीं करते और सीखते हैं कि कैसे आप अपनी वीडियो का बैकग्राउंड तब्दील कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह है मेरी ग्रीन स्क्रीन, जो कि मैं आपको पहले एक बार दिखा चुका हूं कैसे मैंने इसको बनवाया है। इस ग्रीन स्क्रीन के बारे में एक वीडियो मैंने अलग से बनाई है, इससे पिछली वीडियो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे, इसको बनाने का तरीका मिल जाएगा। अब मेरे पीछे आप देखेंगे ग्रीन स्क्रीन है, और ग्रीन स्क्रीन के अलावा मैं अब आपको बताता हूं कि मैंने लाइट्स कैसे इसके ऊपर डाल रखी हैं। ये हैं जी मेरी दो लाइट्स, और इनको ऐसे लगाने का एक खास मकसद है। ये दरमियान में मेरा कैमरा होगा, ये देखिए सेंटर में मेरा कैमरा है, मैं ये आपको चेक कराता हूं, ये मेरा कैमरा है। और कैमरा के एक साइड पे एक लाइट और कैमरा के एक दूसरी साइड पे एक लाइट। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा मैं बिल्कुल अभी आपको बताता हूं। ये देखिए एक ये बड़ी एलसीडी मैंने अपने कैमरा को मॉनिटर करने के लिए लगा रखी है, अपने कैमरे के साथ मैंने ये एलसीडी अटैच की है ताकि मैं अपने आप को सेट कर सकूं। तो अब मैं दिखाता हूं क्या सीन है। ये देखिए ये दो लाइट्स लगी, ठीक है, और दरमियान में कैमरा और पीछे एक एलईडी जिससे मैं खुद को मॉनिटर करता हूं। और अगर मैं घूम के इस साइड पे आ जाऊं तो ये है जी मेरी ग्रीन स्क्रीन, और यहां पे मैं बैठूंगा इस चेयर पे और पीछे होगी मेरी ग्रीन स्क्रीन। और ये लाइट का क्या मकसद है? इस लाइट का बहुत बड़ा मकसद है। इस लाइट का मकसद अगर आप समझ गए तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी वीडियो का बैकग्राउंड तब्दील कर पाएंगे। ये एक एक्स्ट्रा लाइट मैंने ट्राइपॉड पे लगाई है, और इसका दोस्तों मकसद ये है कि ये पीछे से ग्रीन स्क्रीन को रोशन करती है। ये देखे ना, ये लाइट जो है ये लाइट पीछे से ग्रीन स्क्रीन को रोशन करती है। जितनी ज्यादा ग्रीन स्क्रीन आपकी ब्राइट होगी, रोशन होगी, उतना अच्छा आप वीडियो का बैकग्राउंड तब्दील कर पाएंगे। यानी आपकी ग्रीन स्क्रीन पीछे ब्राइट, साफ सुथरी, क्लियर होनी चाहिए, रोशन होनी चाहिए, और तब आपका जाके वीडियो का बैकग्राउंड अच्छा चेंज होगा। अब मैं सामने बैठ के दिखाता हूं आपको। ये देखें, आप देख रहे हैं कि सामने वाली एलईडी में मैं नजर आ रहा हूं क्योंकि कैमरा उसके साथ जुड़ा हुआ है, और ये अपने सेलफोन के साथ मैं वीडियो बना रहा हूं। अब ये देखें, ये सीन बन रहा है, एक लाइट एक साइड पे, दूसरी लाइट दूसरी साइड पे, दोनों लाइट्स जो है इस तरह मेरे मुंह पे पड़ रही है। दो लाइट्स इसलिए लगाई है कि पीछे साए जो है ग्रीन स्क्रीन पे कम से कम बने। ये देखें, ये पीछे ग्रीन स्क्रीन है, इस पे साए कम बने, इस वजह से मैंने दो लाइट्स जो है वो सामने यूज की हैं, लेफ्ट और राइट दो लाइट्स। और ये जो लाइट है इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन दोस्तों ये है कि ये ग्रीन स्क्रीन को रोशन करती है ये लाइट, ताकि ग्रीन स्क्रीन जो है वो बेहतर तरीके से जो है ब्राइट और रोशन हो जाए। और जितनी ज्यादा ग्रीन स्क्रीन पीछे रोशन होगी उतना क्लियर बैकग्राउंड जो वो तब्दील होगा। अब मैं आपको बिल्कुल बैकग्राउंड तब्दील करके भी बताऊंगा। और ये जी अब सामने आप चेक कर सकते हैं, ये सारा मेरा इंटरफेस है और कैमरा जो है मेरे ट्राइपॉड पे लगा हुआ है, और इस तरीके से कुछ जो है वो मेरा कैमरा 80D आप देख रहे हैं कि लगा हुआ है ट्राइपॉड पे। और इसके साथ मैंने एक बड़ी साइंस लड़ाई है कि इसको मैंने HDMI पोर्ट के जरिए एक एलईडी के साथ मुंसलिक कर रखा है, ताकि इसकी जो एलईडी होती है वो छोटी होती है, बिल्कुल इतनी सी एलईडी होती है, लेकिन इसकी एलईडी मैंने बड़ी एलईडी में कन्वर्ट कर ली है। अब ये देखें 27 इंच की, ये 28 इंच की जो एलईडी है स्पेशल, वो सिर्फ मेरा व्यू दिखा रही है। तो इसका फायदा ये है कि प्रोफेशनल वे में हम अगर काम करना चाहें तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं कैसे बैकग्राउंड को तब्दील किया जाता है। ये मैंने Adobe Premiere Pro खोल लिया है। Adobe Premiere Pro खोलने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस नजर आएगा, 2018 आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी लिख दें, ठीक है, और उसके बाद आप ओके पे क्लिक कर लें। ओके पे क्लिक करने के बाद ये आप देखें Adobe Premiere Pro का इंटरफेस आपके सामने कुछ ऐसा नमूदार होगा। अभी न्यू प्रोजेक्ट है तो देखें, ये आपके सामने ये देखें फाइल नज़र आ रही है आपको, ये सैंपल के तौर पे ये मैं डाल लूँगा अपनी वीडियो फाइल जो कि ग्रीन स्क्रीन के साथ मौजूद है। कहीं भी मैं ड्रॉप कर दूँगा, बेशक इस जगह पर ड्रॉप कर दूँ, डायरेक्टली
प्रोजेक्ट पैनल के दरमियान में बेशक ड्रॉप कर दूँ। तो ये है जी मेरा बैकग्राउंड, ये देखें, ये आप देख रहे हैं, इसको मैं सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो ये मैंने ड्रॉप कर दिया अपना बैकग्राउंड इमेज जो कि मैं बैकग्राउंड लगाऊंगा, कुछ ऐसा बैकग्राउंड है ये। तो इसको मैं थोड़ा रिसाइज कर लूँगा अपने ओरिजिनल साइज में ताकि ये प्रोजेक्ट पैनल के मुताबिक हो जाए। ये देखें जी, इसको थोड़ा रिसाइज कर लूँगा, ठीक है, ये पूरा पूरा लाने के लिए, ठीक है। और अब इसको ज़रा फिट कर लूँगा अपने बैकग्राउंड में ताकि मुनासिब तरीके से ये नज़र आए। ये देखें, ये बैकग्राउंड लग गया। अब ये है जी मेरी फाइल। अब मैं ज़रा इसमें से ऑडियो ख़त्म करूँ ताकि आपको डिस्टर्ब ना करे ऑडियो, अभी मैं ऑडियो ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसके नीचे बैकग्राउंड लगाऊंगा, लेकिन बैकग्राउंड लगाने से पहले मुझे क्या करना होगा, ये देखें, ये मैं बैकग्राउंड, बैकग्राउंड वाली फाइल नीचे होनी चाहिए हमेशा, बैकग्राउंड वाली फाइल नीचे होनी चाहिए। ये देखिए, ये वीडियो वन, वीडियो टू, वीडियो थ्री, और जो बैकग्राउंड है वो नीचे होना चाहिए, और जो ऊपर वाला वीडियो है वो जारी बात है जो ऊपर आप दिखाना चाहते हो ऊपर होना चाहिए। अब नीचे बैकग्राउंड मौजूद है लेकिन बैकग्राउंड नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ऊपर ग्रीन है। ग्रीन स्क्रीन को हम ख़त्म कर देंगे। ग्रीन स्क्रीन को ख़त्म करने के लिए दोस्तों बड़ा आसान है, गौर से देखिएगा, मैं इसको फुल स्क्रीन करता हूँ। ग्रीन स्क्रीन को ख़त्म करने के लिए दोस्तों आपने क्या करना है, सिंपली आपने जाना है इफ़ेक्ट्स में, ठीक है, इफ़ेक्ट्स में जाना है। इफ़ेक्ट्स पे जब आप क्लिक करेंगे मेरे दोस्तों तो आपने ये जो इफ़ेक्ट वाला जो सर्च बार आपको नज़र आ रहा है, सिंपली यहाँ पे लिखना है की, के ई वाई की। की जब आप लिखेंगे तो आप चेक करें इसमें की के सब ऑप्शंस आ गए काफ़ी ज़्यादा, तो अल्ट्रा की जो है सबसे नीचे आपको नज़र आ रहा है। अल्ट्रा की बड़ी कमाल की चीज़ है, इसी से आप ग्रीन स्क्रीन को ख़त्म कर सकते हैं। अल्ट्रा की को सिलेक्ट करना है आपने, ड्रैग करना है, ड्रैग करके इस वीडियो के ऊपर फेंक देना है, ठीक है। ये देखिए मैं ड्रैग करके ला रहा हूँ अल्ट्रा की को और यहाँ फेंक दिया, यूँ मैंने फेंका। अब जब मैंने फेंका तो ये कुछ इस साइड पर देखें ऑप्शंस नमूदार हो चुके हैं। की कलर, ये देखिए नज़र आ रहा है की कलर, और पिकर टूल जो है सिलेक्ट करना है, पिक टूल भी कहते हैं इसे, तो पिक टूल जो है वो सिलेक्ट करना है। और पिक टूल सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से डार्कर कलर जो है ग्रीन कलर वो सिलेक्ट करना है, जो कि जहाँ पे साया नज़र आ रहा है यानी जो गहरा ग्रीन कलर है वो सिलेक्ट करना है ताकि ज़्यादा अच्छे तरीके से आपका जो बैकग्राउंड है वो तब्दील हो। मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, जो ही मैंने सेलेक्ट किया आप देखें साथ ही जो मेरा ग्रीन कलर है वो कैंसिल हो गया, लेकिन अभी भी अब इसमें थोड़े से नकाइस बाकी हैं। अपने बैकग्राउंड को मज़ीद साफ सुथरा चेंज करने के लिए हम इसमें थोड़ी सी तब्दीलियां करेंगे, वो क्या तब्दीलियां मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये अब देखें, ये ब्लैक कलर जो है ना अभी पूरा ब्लैक नहीं है, इसमें क्या तरीक़ेकार है, सबसे पहले आप यहाँ पर जाएँ आउटपुट, ये जो इस साइड पर आपको नज़र आ रहा है, और इसको कंपोजिट पर ही रहने दें, नीचे जो है सेटिंग में जाके आप एग्रेसिव पर क्लिक कर दें। जो ही आप एग्रेसिव पर क्लिक करेंगे थोड़ी सी बेहतरी हुई है, लेकिन मज़ीद बेहतर करने के लिए आप मैट जनरेशन में जाएं। ये मैट जनरेशन को आपने क्लिक करना है, तो मैट जनरेशन में आप देखें कितने मज़े मज़े के ऑप्शंस हैं। तो इसमें आपने मैट जनरेशन में जो हाइलाइट्स है इसको छेड़ के देख लेना है, ठीक है, इसको कम कर दें हाइलाइट्स को, ये देखें ये नज़र आ रहा है, इसको हाइलाइट्स को कम कर दें, ठीक है। उसके बाद आपने ये जो पेडिस्टल लफ्ज़ है इसको आपने बढ़ा देना है, इसको आपने बढ़ाना है ताकि आपका बैकग्राउंड और स्मूथ तरीके से जो है वो चेंज हो, साफ़ सुथरा हो। एक छोटी सी सेटिंग और आपने करनी है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपने ये मैट क्लीनअप पे जाना है। मैट क्लीनअप पे जाने के बाद इसको थोड़ी सी इसकी वैल्यू को बढ़ा देना है, और उसके बाद सॉफ्टन पे जो है आपने थोड़ा सा इसको बढ़ा देना है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं बढ़ाना फिर ये नहीं तो बुरा लगेगा। और इसके अलावा और कुछ करने की खास ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाकी चीज़ों को भी आप चेंज करके देख सकते हैं। बाकी चीज़ों का भी जो फंक्शन है वो इसी की सॉफ्टनेस के साथ है, या इसकी हार्डनेस के साथ है, या इसको आप ज़्यादा इसका जो शार्प रिज़ल्ट चाहते हैं तो बाकी चीज़ों की वैल्यू को भी चेंज कर लें। लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड पे जो लाइट है उसकी मकदार काफ़ी ज़्यादा है तो फिर भी कोई ज़रूरत नहीं है बाकी चीज़ों को छेड़ने की। खैर, अब मैं बैकग्राउंड को शो करने जा रहा हूँ ताकि देखें कितनी आसानी से जो हमने बैकग्राउंड को तब्दील किया, और देखें आप कितना क्लियर जो एजेस हैं
ये एक प्रोफेशनल वे था बैकग्राउंड को तब्दील करने का। आप चेक कर सकते हैं कि बिल्कुल भी किसी किस्म के एडजस्ट जो है नजर नहीं आ रही है। अगर मैं फुल स्क्रीन कर रहा हूँ, आप देखिए कितना शार्प बैकग्राउंड तब्दील किया हमने, यानी कि बिल्कुल जो मेरे किनारे हैं मेरे साइडों पे जो आपको किसी किस्म का भी कलर शलर देखने को नजर नहीं आ रहा है। हालांकि एक्सपोर्ट नहीं किया इसको, मैंने आउटपुट फाइल के तौर पर निकाला नहीं है। आउटपुट फाइल के तौर पर निकालने के बाद तो ये और खूबसूरत हो जाएगा। अभी ये देखें कि अभी एडिटर के अंदर ही ये, यानी कि Adobe Premiere Pro के अंदर ही वीडियो एडिटर के अंदर ही जो देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। हालांकि आपको बताया वीडियो एडिटर के अंदर इतनी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलता, तो अगर मैं इसको एक्सपोर्ट करूंगा तो फिर तो और ज़्यादा शानदार हो जाएगा। ये देखें ये कितनी आसानी से हमने अपने बैकग्राउंड को तब्दील कर लिया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और आप बड़ी आसानी से इंशाल्लाह वीडियो का बैकग्राउंड तब्दील कर लेंगे। और आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि हम आपको एक लेक्चर में कोरल ड्रा सिखाएंगे। कोरल ड्रा बड़ा खुश्क सा सब्जेक्ट है, अक्सर लोग जो है वो कोरल ड्रा का इंटरफेस देख के परेशान हो जाते हैं, लेकिन हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको कोरल ड्रा एक लेक्चर के जरिए सिखा दें। और कोरल ड्रा के अभी हम लेटेस्ट वर्जन आपको सिखाएंगे X7, और इसके अलावा अगली आने वाली वीडियोज़ में हम आपको फोटोशॉप के बारे में भी गाइड करेंगे। तो जुड़े रहें हमारे चैनल असदारी टीवी के साथ, जहाँ पर आपको इस तरह के बहुत ही मुफीद स्किल्स सिखाए जाते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई ज़रूर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।